नमस्कार। इंडो चाइना वार को लेके आज हम आपको एक बहुत बड़ा गेम समझा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। वीडियो को पूरा सुने, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि भारत, चीन और अमेरिका के बीच में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों, आपने आजकल दो समाचार सुने होंगे कि भारत ने कुछ चोटियों पर कब्जा किया और भारत ने अपने दो युद्धपोत साउथ चाइना सी में भेज दिए। तो यही हम आपको समझाने वाले हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसियों की जो खबर थी उसके मुताबिक ये था कि चीन भारत पे हमला करने वाला है, ये खबर दी थी इंडियन इंटेलिजेंट एजेंसी ने। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि तुरंत दो शिप भेज दिए साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिकन नेवी बैठी हुई है और अमेरिका और भारत के बीच में बहुत सारी संधियां हो रखी हैं। यानी अमेरिका के किसी भी आर्मी के बेस का उपयोग भारत कभी भी कर सकता है, इसलिए भारत ने अपने दो शिप भेज दिए। इसके दो कारण हैं। अगर हिमालय की साइड से चीन भारत पे अटैक करता है तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा। आपने सुना होगा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अगल बगल अपने हिस्से में परमाणु मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें तैनात कर रहा है, जो कि भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और चीन हिमालय की जिस जगह से लड़ता है वहाँ चीन की केवल 5% पॉपुलेशन रहती है। यानी वार होती है अगर हिमालय में तो भारत के आदमियों को ज्यादा नुकसान होगा, चीन के आदमियों को कम होगा। चीन के आदमियों को सबसे ज्यादा नुकसान कहां से होगा? साउथ चाइना सी से। आप इस जगह को देखें, ये चाइना की वो जगहें हैं जहां करोड़ों लोग रहते हैं। तो चीन भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मिसाइलें तैनात कर रहा है। तो भारत ने या भारत भी चीन को उतना नुकसान पहुंचाने के लिए हिमालय की साइड से भारत चीन को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन साउथ चाइना सी से भारत भी चीन को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। यदि चीन भारत की आम जनता के ऊपर बमबारी करता है तो भारत भी चीन की आम जनता के ऊपर बमबारी करेगा और चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को साउथ चाइना सी से लड़ना पड़ेगा। ये हम कई बार कह चुके हैं। इसलिए भारत ने अपने दो युद्धपोत साउथ चाइना सी में भेजे। इसका एक और कारण है कि चीन यदि हिमालय की साइड से भारत पे हमला करता है तो भारत चीन को प्रेशर करने के लिए साउथ चाइना सी से चीन के ऊपर हमला करेगा और साउथ चाइना सी से चीन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चीन वहां पे इतनी आसानी से भारत का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकन नेवी है। यदि भारतीय युद्धपोतों पे चीन अटैक करता है तो उसे सामना करना पड़ेगा अमेरिकन नेवी का, और वहां पे एक गोली भी यदि चल जाती है चीन के द्वारा तो अमेरिका चाइना के ऊपर अटैक कर देगा, उधर से जापान भी कर देगा, ताइवान भी कर देगा। तो भारत ने जो दो युद्धपोत भेजे वो साउथ चाइना सी में इसीलिए भेजे कि हिमालय की साइड से चीन यदि अटैक करता है तो साउथ चाइना सी से भारत चीन पर अटैक करेगा, और चीन यदि भारत पे साउथ चाइना सी में अटैक करता है तो उसके सामने अमेरिकन नेवी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिकन नेवी का एरिया है। या ये समझें कि अमेरिका के वहां पे 4-5 फ्लीट मौजूद हैं। तो चीन यहाँ प्रेशर में आ चुका है कि यदि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम भारत पे हमला करते हैं तो भारत साउथ चाइना सी से चीन पर हमला करेगा, और चीन यदि साउथ चाइना सी में भारत के ऊपर अटैक करता है तो चीन के सामने अमेरिकन सेनाएं खड़ी हो जाएंगी। और भारत ने भी ये दांव बहुत ही ज्यादा डेंजर खेल दिया चीन पे भारी प्रेशर बनाने के लिए। ये बात दोस्तों निश्चित थी कि भारत की लड़ाई यदि चीन से होती तो पाकिस्तान भी भारत के ऊपर अटैक करता और नेपाल जैसे देश भी चाइना को सपोर्ट करते, मौन समर्थन देते चाइना को, यानी भारत के लिए दिक्कत कर सकते थे। तो भारत ने बहुत बड़ा गेम खेलते हुए
साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत भेज दिए। अब यदि चाइना हिमालय की तरफ से भारत पर अटैक करता है तो चीन को साउथ चाइना सी में अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका में अब चुनाव होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप यदि अमेरिका पे अटैक कर देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं चाइना पे अटैक करने का। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नेवी है या अमेरिकन जो नेवी है वो बार बार चाइना के समुद्र में, चाइना की जो समुद्री सीमा है वहां घुस जाती है। अमेरिकन नेवी बार बार उकसा रही है चाइना को कि चाइना कोई गोली चलाए या कोई मिसाइल फायर करे अमेरिकन नेवी के ऊपर। लेकिन चाइना अभी अमेरिकन नेवी के ऊपर फायर नहीं करेगा क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि हिमालय से भारत और साउथ चाइना सी से अमेरिका चीन के ऊपर हावी हो जाएगा और साउथ चाइना सी से अमेरिका की जो चाइना की जो वहां पर पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। यानी अमेरिका दो चार छोटे छोटे बमों का भी प्रयोग करता है तो वहां करोड़ों की संख्या में जनता को, चाइनीज जनता को नुकसान हो जाएगा। अब आपने ये सुना होगा कि भारत ने कुछ चोटियां कब्जा कर ली। दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि आपने बिपिन रावत CDS जो है हमारे, उनका एक बयान सुना होगा कि भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। यानी चीन पीछे नहीं हटता है किस एरिया से, जो बफर जोन है भारत उसे अपनी भूमि बताता है, चीन उसे अपनी भूमि बताता है। वो विवादित भूमि है और चीन विवादित भूमि पर बैठा है। वो एरिया पहले बफर जोन था, फिंगर दो तक चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी 2008-10 से करी रही है और भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था। लेकिन अब चीन फिंगर 5 वाले एरिया में 5-7 में बैठ चुका है और भारत कहता है कि फिंगर 8 तक हमारा है। तो CDS बिपिन रावत ने जो बयान दिया था कि चीन यदि पीछे नहीं हटता है तो हमारे पास सैन्य विकल्प भी हैं, तो भारतीय जनता को ये पता नहीं है कि भारत ने अपने जो सैन्य विकल्प थे भारत के पास उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यानी भारत ने चीन पे हमला बोल दिया है। हालांकि अभी गोलियां बिल्कुल नहीं चली हैं लेकिन भारत ने जबरदस्ती कुछ चोटियों को कब्जा कर लिया है और भारत ये अच्छे से जानता है कि अमेरिका में यदि चुनाव समाप्त हो जाए तो उसके बाद अमेरिका सपोर्ट करता है भारत को कि नहीं करता है। हालांकि अमेरिका सपोर्ट करेगा लेकिन इस समय अमेरिका भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए चीन पे अटैक करना ही होगा। इसलिए अमेरिका को कोई बहाना चाहिए चीन पे अटैक करने के लिए और भारतीय ने भी साउथ चाइना सी से अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर अटैक कर देती है तो अमेरिका को बहाना मिल जाएगा। और यदि चुनाव खत्म हो गए, चुनाव हो गए उसके बाद अमेरिका का भरोसा नहीं है कि वो भारत का साथ दे या ना दे, और देगा भी तो उतने परफेक्ट ढंग से नहीं देगा जो कि आज देना चाहता है। इसलिए भारत जानता है कि हमको 2-3 महीने के भीतर ही भीतर चाइना से आर पार कर देना है, यानी युद्ध कर ही लेना है क्योंकि 2-4 महीने बाद भारत का जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि चाइनीज मीडिया पूरी ताकत के साथ पूरी दुनिया में अपने खिलाफ जो माहौल हुआ है, चाइना के खिलाफ जो और देशों के प्रति या और देशों की जनता का जो चाइना के खिलाफ जो मूड बना है, चाइना उसको बदलने के पक्ष में है मीडिया के द्वारा, और उसके लिए चाइना इंटरनेशनल मीडियाओं में बहुत सारे पैसे खर्चा कर रहा है ये भारत अच्छे से जानता है। इसलिए भारत ने साफ क्लियर किया है या भारत साफ चाहता है कि 2-3 महीने से पहले ही वार होनी बहुत जरूरी है चीन के साथ में। इसलिए भारत कुछ चोटियों को कब्जा करता हुआ जा रहा है। अब चीन की मुश्किल ये है कि चीन यदि भारत पे अटैक करता है तो साउथ चाइना सी से भारत चीन पे मिसाइल हमला कर सकता है और चीन की वार दोनों से हो जाएगी, अमेरिका से भी हो जाएगी और भारत से भी हो जाएगी। इसलिए चीन भारत कितने भी उकसाई के या चीन को उकसा रहा है युद्ध के लिए, लेकिन चीन चुप है क्योंकि वो जानता है कि भारत ने ये स्थिति बना ली है कि यदि मैं भारत पे हमला करता हूं तो मुझे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा।
तो इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारत जबरन बहुत सारे इलाकों को कब्जा कर रहा है, चीन चुपचाप है। चीन विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि हमने यदि गोली चलाई या मिसाइलें फायर की तो जवाबी कार्रवाई भारत भी करेगा, और फिर भारत दोनों तरफ से, साउथ चाइना सी से भी और हिमालय से भी चीन पर अटैक कर देगा। साउथ चाइना सी से अटैक करने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि साउथ चाइना सी से भारत चीन पे अटैक करता है तो वो वार सीधे और सीधे अमेरिका के साथ में हो जाएगी। और भारत के सबसे ज्यादा प्लस जो पॉइंट है वो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत चीन का पूरा रूट रोक देगा, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का से लेके चटगांव हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, इस क्षेत्र में ओमान तक, मारागास्कर तक, यहाँ तक भारतीय नेवी बहुत पावरफुल है और चीन की नेवी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। 2,000, 4,000, 8,000 किलोमीटर, लगभग 5,000 किलोमीटर दूर से वो इंडियन ओशन में आके नहीं लड़ सकती है भारतीय सेना से। तो भारत में जो CDS ने कहा था कि भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है, तो भारत ने उस सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये भारतीय जनता नहीं समझ रही है कि भारत चीन के ऊपर सैन्य कार्रवाई की शुरुआत भारत ने कर दी है। अब जिस दिन चीन गोली चलाएगा उस दिन युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत जो चोटियों को कब्जा कर रहा है वो इसी रणनीति के तहत, जो CDS का बयान आया था उसी रणनीति के तहत भारत चोटियों पर कब्जा कर रहा है और चीन चुपचाप रह रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि यदि हमने गोलियां चलाई तो दोनों साइड से, साउथ चाइना सी और हिमालय दोनों साइड में हमको लड़ना पड़ेगा। अब एक बात हमने आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि ये जो फिंगर 5, 6, 7, 8 में बैठा हुआ है चाइना, वो दोस्तों इसलिए बैठा हुआ है कि जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिकन सेनाएं मौजूद हैं तब तक चीन फिंगर 5, 6, 7 का एरिया ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चीन अच्छे से जानता है कि यदि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने यदि चाइना के ऊपर हमला कर दिया तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता इतना प्रेशर कर देगी कि भारत को भी चाइना के ऊपर हमला करना पड़ेगा और चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा भारत। इसलिए उस एरिया में जहां बैठा है वहां पे चीन को कुछ बढ़त जरूर मिलेगी, ये सोचकर चीन उस एरिया में बैठा हुआ है। साउथ चाइना सी से अमेरिकी सेनाएं जिस दिन पीछे हट गई उस दिन भारत और चीन के बीच तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक साउथ चाइना सी में अमेरिका की नेवी मौजूद है तब तक भारत और चीन का तनाव समाप्त नहीं होगा, क्योंकि चीन जानता है अमेरिका से वार होगी तो भारत के PM के ऊपर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर में भारत के PM भारतीय सेनाओं को चीन पे हमले के आदेश दे देंगे।